in the heart of Karnataka, where dreams find fertile ground, a revolution is underway. ये कहानी है ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स की, an academy with a mission to transform raw potential into champions, one sprint at a time. ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स में जो भी ट्रेन कर रहा है, उनको इंटरनेशनल एथलीट बनाना है और अपने इंडिया से आज तक कोई स्प्रिंटर ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लिया है, तो एक बड़ा विजन है, एक स्प्रिंटर को हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराएं। राह भले ही कितनी कठिन क्यों ना हो, ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स के एथलीट्स तैयार हैं हर चैलेंज का सामना करने के लिए। सर मैं पहले कबड्डी करता था सर, बाद में हमारे भाई ने सर मुझे फोर्थ से सर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया सर। सिक्स्थ को मैं यहाँ पे ऐसा रखा सर के पास, सर यहाँ पे प्रैक्टिस करके मैं भाग के गया ना सर, अब यही प्रैक्टिस में वहाँ पे करता था सर। मुझे मेडल करना बहुत अच्छा लगता है सर। 2026 यूथ ओलंपिक्स का टारगेट ये केविन अभी से अपनी टेक्निक, स्ट्रेंथ और फिटनेस पर काम कर रहे हैं। स्टेट मीट कभी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था एक्चुअली, फर्स्ट टाइम मैं 2019 में स्टेट मीट पार्टिसिपेट किया, फाइनल में पहुंच गई थी लेकिन मैंने मेडल कुछ जीता नहीं था। आफ्टर 7 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद मैं महिला नेशनल्स को क्वालिफाई हुई थी, उसमें भी मैं मेडल नहीं जीता लेकिन मैं फाइनल्स तक गई थी, तो दैट इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं किया था और नेशनल्स मैंने नहीं किया था। इनके लिए ट्रेनिंग न सिर्फ दूसरों से बेहतरी के लिए है, बल्कि ये एथलीट्स हर रोज ट्रेनिंग में खुद को भी चैलेंज करते हैं। बेसिकली डाबर च्यवनप्राश हम एथलीट्स को बोलते हैं कि दिन में 1 स्पून ले लो बोल के, क्योंकि वो एथलीट्स की न्यूट्रिशन में बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। डाबर च्यवनप्राश सल्यूट करता है ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स को, नयना को और केविन जैसे एथलीट्स को जो क्रिकेट ऑब्सेस्ड कंट्री में एथलेटिक्स को प्रायोरिटी देकर हिंदुस्तान का नाम एथलेटिक्स के वर्ल्ड मैप पर चमका रहे हैं।